लेकिन कौन के पद्मावत तू रणवीर के फिकर में लेट जाती है, उधर तीजों का त्योहार आ जाता है। मैं सहेली जाकर के कहती है बेबे चल आज तीजों का त्योहार है, बाग में चलेंगी घूमेंगी और झूल के आएंगी, मरूंगी मैंने होश नहीं से गात की। अके बावड़ी के बरा देखे और परदेसी उड़े मिल जा अच्छा के हाँ। और पद्मावत तुम सहेलियों से समझाती है अके तीन दिन हो गए मैंने दुखी उन तीन उसके फकर में आदि होगी मर क्या कहने लगी के बता। हे तीन रोज मने हुए तड़प तीन कुछ ना खाई खेली है दर्शन करा सहेली तीन रोज हो लिए तड़पती न कुछ ना खाई खेली के वो बीड़ी बेचनिया रखा नहीं जे भाई बिल्लू ने बहुत अच्छा सुनाया, हमारी बात भी यहीं से बिल्लू गुरुजियों के पास मंजा हुआ भी है और वो छोटा सांप ने अंता ऊपर कूद जाग रहे सौदा थोड़ा हार बोल रहा ऊपर गए, फिर भी हम कोशिश करेंगे यहीं से वह सहेली पद्मावत के पास जाती है, वह नौका एक में परदेसी बिना मृगी रणबीर के पास जाती हैं तरणबीर नौका एक में मृग्या। तो दादा ने एक बात बनाई, यहां सहेली क्या कहती है पद्मावत को ले हे तू मरती कदे यो मरता सारी तर तर चले जबान ए झूठ साज
सु थरी बतगी दोरा का नहीं से ठीक रास्ते पे चलवा बारा बाट नहीं से तू बल कदे वो बद बले को सगाट नहीं से थरे आपस में चले सारे निमालुम पाट नहीं से ढाल के अकल बंद ने इसे ढाल के अकल बंद ने ये लोग कह बे ईमान झूठ साथ पहलवान रोहतक के डीसी थे आर डी गर्ग चौधरी वीरेंद्र कोऑपरेटिव मिनिस्टर था सुगर मिल में मेरे तई नौकरी दे दी रागनी गांव थे अगले साल में बोला भाई डीसी कहने लगा भाई वो प्रोग्राम फिर करो मैं अच्छा जी मैं जीप ले गया जब हाथ पांव बिना टूटे थे कॉलेज में पढ़ा करता ओडन पहन का अच्छा शौक था थ्री पीस पहन गए हलालपुर गया पहले नाई मिला मैंने कोल्लू में बाल काटता मैंने जाके रामा किसनी करी और वह ढाई दिन मेरे में आ रहे थे कदयाले थोड़ी मरोड़ी सी की बात कह दी न बोला रहो चौधरी के बेटे कितना सौदा है तेरा थारा कितने दाने हो जाए साल भर में माँ दो से ढाई से मन न बोला मेरे पन से था जजमान है पन से था वह और बताऊ माना भाई साहब हाथ जोड़ लिया हमने तो पांचों पार्टियों को हजार रुपए सरपंच साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। गहलोत साहब गोपी चंद जी संस्कृति से इनका बड़ा लगाव है सुलझे हुए इंसान है और मेरे को झाड़ से गांव के दर्शन करवाने पहले शख्स हैं बाद में 40 जालिया में 20 बे पर शुरू में चौधरी साहब ले गए थे आज से 25-24 साल पहले आज भी निवेदन है कि एक दो रागनी सुन के जांचो साहब Thank you.
सच्चा, जो भी सच्चा रो वैसे तू बेस कवारे में। पिता के ग्रां जवानी खोदी बड़ी चुबारे में, ईसा छेल तने मिला नहीं जे तो जग सारे में। धर्म राज के लेखा होगा धर्म द्वार में, ए प्यार करे प्यारे की समझ है, प्यार करे प्यारे की समझ है, अपने कैसी जान सखी कहती है कि बहन तूनु का आगरती जो मंदिर है तालाब पे शिवजी का, इसकी पूजा करूंगी और कदे शिवजी ने सुन ली तो जब शादी करूंगी। के मेरा शिवजी ने सुन ली वो आदमी भेज दिया हो कैसे भला। फिरी हो शिव जी की यो भेज दिया इंसान तू Oh!
मुझे दूर खड़े मैं इसका पानी गैर बुझा लूं मन के दीख बड़े में शरी लखनी थन तू कद पर खेगा मोती रे तरड़े में मेरे कई बे मन में ऐसी आवे मर जा घोट चले इश्क जड़े में जान का ये पे इश्क जड़े में जान मेरी मुट्ठी के मांगे भी आखिरी कली में न बोली बेबे एक उम्र होती है 17-27 की एक जवान लड़की और जवान लड़के के नू फूल मार दे है तो उसके दिल पे क्या चोट नहीं लगती और फिर खोट बता देंगे लक्ष्मीबा मणगा कैसे कहा भला दादा ने लागी चोट जब तेरे कितना दुख होगा देऊं तेरा गलगोट पीठ फेर के कराए सारे ले घूंघट की ओट बिल समझे बेईमान बता दे लक्ष्मी चंद का खोट सर लिया होते चाल घरा जय सर लिया होते चाल घरा थारी शायद बाजली ता